कॉन्फ्रेंस करें ना, क्यों कर रहे हैं? क्या रीज़न बताइए। ये नया NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो केंद्र सरकार ने चालू किया, हमारा राज्य सरकार ने पहला चालू कर दिया है। इसके लिए कोई पूर्व तैयारी भी नहीं किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, सिलेबस बुक्स कुछ भी तैयार नहीं है, ये लोग ऐसे ही चालू भी कर दिया है। इसमें क्या है, NEP पॉलिसी में एक पॉलिसी बनना है तो पहले चर्चा होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी है। इसमें जो आगे की जो शिक्षण नीति है उसमें सारी सारी अंश जो बैठा रहता है, कैसे पढ़ाई करना, टेंशनल बोर्ड एग्जाम्स में कैसे होता है, PU बोर्ड एग्जाम्स में कैसे होता है, डिग्री में क्या होगा, ऐसे सभी सारे अंश जो है, वो जो प्रोसीजर है एजुकेशन सिस्टम का, वो पॉलिसी एक अर्जेंट में ये लोग चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, टेंशनल बोर्ड एग्ज़ाम जो अभी हम साहब भी लिख कर आए, आगे से अभी टेंशनल बोर्ड एग्ज़ाम्स ही नहीं रहेगा। ये लोग सेंट्रलाइज्ड इवेल्युएशन जो करना चाह रहे हैं, उस सेंट्रलाइज्ड इवेल्युएशन लेके ये लोग स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशराइज करेगा, ये सब्जेक्ट ही पढ़ना है, वो सब्जेक्ट ही पढ़ना है, कैसे हो सकता है? ये लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइवेटाइज एजुकेशन को ही प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आगे के दिन में हम देख सकते हैं, पैसा दिया तो मास्टर लेके जा सकता है, ऐसा है ये पॉलिसी। और स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स हो उसके लिए हम स्कॉलरशिप देना है, फ्री बस पास बुक्स यूनिफॉर्म्स करके स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है कि आप पढ़ाई करो। इसमें स्कॉलरशिप का ही कुछ मेंशन नहीं है, कंपलसरी एजुकेशन का बात नहीं करते हैं लोग, इक्वल एजुकेशन का बात ही नहीं है। इस मुद्दा पे हम लेकर हमारे NSQS तरफ से हम इतना ही कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये बताना चाह रहे हैं, देखो भाई आप पॉलिसी लेकर आए हैं उसके बारे में आप चर्चा करो, जो अच्छा है वो रखो, जो स्टूडेंट्स के खिलाफ है वो निकालो और पॉलिसी को बाद में चालू करो। पहले तो डिस्कशन तो करो, इसके क्या है क्या नहीं है, आप बराबर से बताओ लोगों को, स्टूडेंट्स को बताओ, छात्र को बताओ, और उसके बारे में रिव्यू लेके बाद में आप जो करना है वो करो। करके हमारा ये मुद्दा हम उठाए, ये 13 डिस्ट्रिक्ट है, हम NEP के कैंपेनिंग कर रहे हैं NSU की तरफ। सर एक सवाल है हमारा, जैसा मोहम्मद कैफ साहब आप ही के पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कैफ साहब, तो इससे पहले जो कैंप यहाँ पर हुआ, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बिल नहीं, ये नहीं हुई तनख्वाह, पेमेंट नहीं दी उनकी, स्टिफंड नहीं दिए उनके, मोहम्मद कैफ साहब ने आवाज़ उठाई, तो कैफ साहब का डेरा क्या यहाँ तक रहेगा, क्या स्टेट बॉडी में लेंगे उनको? हर मरतबा हर तालुक से स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। देखिए ये हमारा NSU का लोग स्टूडेंट हैं उससे नाराज़ हैं, कि आप आगे जाइए, आगे बात पहुंचाइए, खाली यहाँ तक बोलने से मसला हल नहीं हो रहा। स्टेट वाइड है जी, नहीं हम जो आप मुद्दा उठाए वो स्टेट वाइड में भी लिया है ऑलरेडी, इसके ऊपर हम केस भी फाइल किया है इसके ऊपर, ठीक है। हम आगे के दिन में सभी स्टूडेंट्स को लेकर अब बड़ा लेवल पे भी प्रोटेस्ट करने वाला है, और जिस बात रखा केफ के बारे में, हम अभी इस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, रिव्यू सभी कलेक्ट किए हैं, बहुत सारा कॉम्पिटिटर्स है, हम देखेंगे आगे के दिन में क्या करना है, हम जल्दी उसका रिजल्ट दे देंगे, उसको स्टेट बॉडी में रखना है डिस्ट्रिक्ट बॉडी में रखना है, आगे के दिन में हम बता देंगे, इंटरनल मीटिंग जो है हम वो करके आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कीर्ति गणेश, NSU स्टेट प्रेसिडेंट।